आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज मदर्स डे है तो सबसे पहले आप सभी को मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करने के लिए आया हूँ जिसकी सराहना वास्तव में शब्दों में नहीं की जा सकती, जिसकी जो तुलना है, जिसका जो प्यार है, हम उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। एक ऐसी कहानी सुनने के लिए आया हूँ आपको। हाँ, आपने नाम सुना होगा थॉमस अल्वा एडिसन का। जब थॉमस अल्वा एडिसन जब छोटे बच्चे थे, जब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, तो उनके एक टीचर ने एक लेटर लिख करके भेज दिया कि ये जो लेटर है उसकी मोम को दे देना और मोम को ये बोलना कि आपको जोर जोर से पढ़ के सुनाए। तो जैसे ही वो बच्चा घर पे आता है और बच्चे के मन में ये होती है कि मैं पढ़ने में बहुत होशियार हूँ इसलिए मुझे ये लेटर दिया गया है, और अपनी मम्मी को बार बार कहता है मम्मी मुझे पढ़ के सुनाइए, जोर जोर से मुझे पढ़ के सुनाइए कि इस लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो अपनी मोम को देता है और उसकी मोम उस लेटर को जोर जोर से पढ़ना शुरू करती है, और उसकी थॉमस अल्वा एडिसन को ये सुनने को मिलता है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ही होशियार है, इतना होशियार है कि हमारे पास इस कैपेसिटी के टीचर नहीं है, आप इस बच्चे को या तो अपने घर पर पढ़ाइए या इस बच्चे को किसी बड़े स्कूल में एडमिट करिए। ये बात जब थॉमस अल्वा एडिसन सुनता है तो उसका मन जो मन है वो मन प्रतिफुल्लित हो जाता है। लेकिन जब वो थॉमस अल्वा एडिसन जब पढ़ करके एक महान वैज्ञानिक बन जाता है, तब उसकी मोम की डेथ हो जाती है। जब वो डेथ हो जाती है उसके कुछ ही महीने बाद अपने रूम को वो थॉमस अल्वा एडिसन अपने रूम की सफाई कर रहा होता है और सफाई करते करते अलमारी के ऊपर हाथ मारता है और वहां से वो लेटर मिल जाता है। थॉमस अल्वा एडिसन उसको पढ़ना शुरू करता है तो उस लेटर के अंदर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत ही कमजोर है, इसलिए हम इसको हमारे स्कूल से निकाल रहे हैं, हम इसको हमारे स्कूल के अंदर एडमिट नहीं कर रहे हैं। जब वो पढ़ता है थॉमस अल्वा एडिसन, तो उसकी आंखों से जो है आंसू टपक जाते हैं। आप इस प्यार को क्या नाम दोगे? एक माता ने एक गूंगे बेरे बच्चे को वैज्ञानिक बना के छोड़ दिया, एक भोले बच्चे को एक वैज्ञानिक बना के छोड़ दिया, एक ऐसा वैज्ञानिक बना के छोड़ दिया जिसने एक दुनिया को रोशन कर डाला, जिसने बल्ब का आविष्कार कर डाला, जिसने एक अंधेरे में दुनिया को प्रकाश की ओर ले गया, एक ऐसे वैज्ञानिक को पैदा करके छोड़ दिया। आप इस प्यार को क्या नाम देना चाहोगे? वो तो माता का प्यार है ना। माँ एक शब्द ही ऐसा ही है जिसको बोलने से मुंह भर जाता है, एक शब्द ही ऐसा ही है माँ का प्यार समझो। ये तो उनसे पूछो ना जिनकी माँ नहीं है, प्यार क्या होता है माता का? जो माँ का प्यार होता है वही सच्चा प्यार होता है। दुनिया के किसी कोने में आपको ऐसा प्यार नहीं मिलेगा जो प्यार आपसे मोम करती है। वो खुद भूखे लेकर के आपको खाना खिला सकती है, कुछ ऐसी परेशानी आ सकती है, यानी कि एक बहती हुई नदी की तरह परेशानी हो तो एक पुल बनकर के आपके सामने जो आपका एक सहारा बन सकती है। आप अगर धूप में सो रहे हो तो वो खुद धूप में बैठ करके आपको छाया कर सकती है, एक ऐसा प्यार जो सिर्फ माँ दे सकती है आपको। तो मैं कुछ लाइनें पेश करना चाहूंगा। माँ ही सबको जीवन देती है और माँ ही सबको संसार। अगर माँ का आशीर्वाद मिल जाए तो जीवन हो जाता है उदार। जब भी कभी ठोकर लगे तो हमें तुरंत याद आती है माँ। जब भी कभी ठोकर लगे तो तुरंत याद आती है माँ। दुनिया की तपिश में हमें आंचल की शीतल छाया देती है माँ। खुद चाहे कितनी थकी हो हमें देखकर अपनी थकान भूल जाती है। खुद चाहे कितनी थकी हो हमें थका हुआ देखकर अपनी थकान भूल जाती है। प्यार भरे हाथों से हमें हमारी थकान मिटा।